मध्य प्रदेश के सागर जिले में पिछले 3 महीने पहले तक 50 रुपए किलो में बिकने वाला प्याज के दाम अब अच्छी आवक के साथ ही कम होते जा रहे हैं। आसपास के इलाकों में प्याज की पैदावार अच्छी हुई है, इसी के कारण दाम घटते जा रहे हैं। किसानों से प्याज थोक में 8 रुपए किलो तक खरीदा जा रहा है, जिसे फुटकर दुकानदार 10 से 15 रुपए में बेच रहे हैं। केवल प्याज ही नहीं बल्कि टमाटर के दाम भी बीते दिनों के मुकाबले कम हो गए हैं। थोक में टमाटर 10 से 12 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हालांकि अन्य सब्जियों के दाम अभी स्थिर बने हुए हैं। उधर इस बार मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में लहसुन की आवक भी अच्छी है, इसी के चलते 10 से 15 रुपए के बीच लहसुन अभी चल रहा है। कई दिनों आलू, टमाटर और प्याज के बढ़े हुए दाम अब कम होने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सागर समेत बागराज, तिली, गढ़ा कोटा, रहली, चनोआ और आसपास के इलाकों में प्याज की पैदावार अच्छी हुई है। बताया जा रहा है कि किसान शहर के बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं। मंडी में रोजाना लोकल प्याज की 20 टन से ज्यादा की आवक हो रही है, इसके कारण इसके दाम अभी कम रहेंगे। प्याज के दाम भी पिछले दिनों की अपेक्षा कम हुए हैं। मीडियम साइज की प्याज 15 रुपए किलो तो छोटी प्याज 10 रुपए किलो में फुटकर में बिक रही है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।